नमस्कार आदाब, ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वक्त मुमरा कौसा के अंदर हॉकर्स का जो मुद्दा है काफ़ी गरमाया हुआ है। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो तनवा नगर का जो पुराना पेट्रोल पंप था, वहाँ पे रमजान मार्केट बोल के वहाँ पे कुछ दुकानें लगाई जा रही थी, लगभग 300 दुकानें। उस दुकानों को लेके आज 2-3 दिनों से काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है और बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही है जिससे कुछ हॉकरों का ये भी कहना है कि वहाँ पे मनमाने तरीके से उन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनके लोगों को वो जो गाले हैं वो दिए जा रहे हैं। और काफ़ी बातें सामने आ रही है कि 10,000-15,000 रुपया ऐसा उस दुकानों का लिया जा रहा है। और एक आरोप मुमरा के वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार पे भी लगाया जा रहा है। एक सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से खबर आई कि रफीक कामदार भी अपने कुछ लोगों के साथ कल मंगलवार को वहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने 8 गालों की मांग की थी। क्या है ये पूरा मामला? हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे कुछ हॉकर भी मौजूद है। जब ये कल जो घटना हुई थी रफीक कामदार साहब के साथ में, तो ये हॉकर उस समय वहाँ पे मौजूद थे। आइए जानते हैं उस पूरी घटना के बारे में यहाँ के हॉकरों का क्या कहना है। भाई, कल ये जो वहाँ पे मार्केट के अंदर गालों को लेके जो रफीक भाई का जो विवाद हुआ था, आप लोग वहाँ पे मौजूद थे, क्या था ये पूरा मामला? हम लोग परसों जो है रात में 2 बजे तक थे, फिर ऐसा हुआ कि भाई कल आप लोग अपना आधार कार्ड लेके आओ जहरबाद, तो आप लोगों को टोकन मिलेगा। जब हम लोग ने जहरबाद सब पहुँचे, पूरे जितने थे करीबन 200-250 जन थे, तो हम लोग सब वहाँ जमा थे। वहाँ पर ये हुआ कि भाई 4:30 हम लोग 2 बजे के करीब पहुँचे थे और ये हुआ कि भाई 4:30 बजे ये तो आपको गाला मिलेगा। फिर अचानक में 3-3:30 बजे ये बोला गया कि भाई आपको एक पगाले का 4,000 रुपया देना है। तो हम लोगों ने ये करे, जब तक ना रफीक भाई उधर थे ना कोई था, हम लोग थे और इनके पूरा ग्रुप था। और उसके बाद हम लोग को फिर हम लोग ने बोले, सबसे बात की आपस में, तो हम लोग ने यही फैसला किया भाई हम लोग 4,000 नहीं दे सकते क्योंकि आज 4 महीने से हम लोग बेकार हैं। तो हम लोग ने फिर भी फैसला किया, नहीं भाई मंडप वगैरह का जो हम लोग इधर देते थे तो उधर भी हमने 1500 रुपये की मांग करे। तो ऐसा हुआ कि हमने जाके जब बोले कि भाई हम सिर्फ 1500 रुपया दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, तो उन लोग ने वहाँ से मतलब एकदम वो करने लगे। तो हम लोग बोले भाई हमको नहीं चाहिए 4,000 में, हमको हमारा पेपर वापस दे दो। तो वहीं से सब गाली गलौज और सब मतलब बहुत सारी बातें हुई। और उसके बाद रफीक भाई ने ये कि गाली गलौज क्यों हो रही भाई, आप सामने आके बात करो, तो उसमें धक्का दिया गया उनको। और उसके बाद पब्लिक भी सब चिल्लम चाली करी, मतलब रफीक भाई को धक्का दिया गया। वो धक्का किन, रफीक भाई को किसने धक्का दिया ये ऐसा बोला जा रहा है, उसका नाम रोशन बताया, मैं तो जाती तौर पर नहीं पहचानता, लेकिन रोशन नाम बताया जा रहा कि उसने पहले ऐसा करके रफीक भाई को, तो वहीं पे फिर पब्लिक बढ़ गई क्योंकि हमारे लिए आज इतने महीनों से वो लड़ रहे, 4 महीने से लड़ रहे हमारे, कि जहाँ भी चलना है हमको, नहीं चल रहे तो हमको तरीका बता रहे, पुलिस स्टेशन में गए, कमिश्नर के पास, जहाँ जहाँ जाना था वो हमारे लिए लड़ रहे। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि भाई हम उनके लिए कुछ, जब उनके ऊपर धक्का रहा तो हम लोग को भी चिल्लम चाली तो करना है। हमने हाथापाई नहीं करे, हमने कोई मसला नहीं है हम लोग। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुमरा के वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार साहब के ऊपर ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि वो जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने अपने ही कुछ लोग लगभग 8 लोगों के लिए गाले की मांग की थी, उसी के ऊपर ये विवाद हुआ। कहा था कि इस बात रफीक भाई हमारे लिए लड़ रहे, वो किसी के लिए नहीं लड़ रहे, उनको क्या जरूरत है गाले मांगने के लिए? अल्लाह ने उनको दुनिया का नवाज है, उनको क्या जरूरत है गाले की मांगने के लिए? गलत बात है, ये जितना भी लड़ रहे हमारे लिए लड़ रहे, पॉलिटिक्स है, खाली पॉलिटिक्स है, वो लोग गरीबों का खाली हमारे पे जो जुलूम हो रहा है इसीलिए खड़े हमारे लिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कल ये जो विवाद हुआ था रफीक कामदार साहब के साथ में, जो मामला हुआ पेश आया था, उस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से ये पूरा मामला कैसे पेश आया, वो पूरा मामला हम मैं जानना चाहता हूँ। उनका मिशन यही था जो लोगों ने करा कि रफीक कामदार को बीच में नहीं आना चाहिए, गरीबों को हक में नहीं लड़ना चाहिए। हाँ, गरीबों को मरने जो मरने दो, हमको जीने दो, हमारे हिसाब से गरीबों का वो बीच में क्यों आ रहे हैं, गरीबों की हमदर्दी क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पूरी घटना हुई कैसे कैसे कैसे, मतलब पूरा मामला ये पेश आया। रफीक भाई गए और ये बोलने के लिए कि भाई वो 4,000 रुपए नहीं देंगे, मतलब उसमें से आप लोग पहले पहुंचे और रफीक भाई बाद में बोले, हम लोग बोले आप लोग के साथ में गए या वो बाद में आए? हम लोग के साथ में गए, बाद में आए थे, बाद में आए थे जब हम लोग ने बायकॉट कर दिया कि हमको जगह नहीं चाहिए, तब तक रफीक भाई आए थे और उसके बाद ही उन लोग ने मतलब गाली गलौज करने लगे। तो यही मसला आया कि भाई गाली गलौज मत करो, जो है बात करो। हम लोग ने समझा ये बात बोलने के लिए कि रफीक भाई देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, रफीक भाई बोले मैं खड़ा हूँ
चलो मैं बात करता हूँ, बस उनके बात करने में उनके अंग पर अंग पे आ गए, उसमें से बात फैल गई है साहब ये बात। अच्छा सभी लोगों का ये कहने का मतलब है कि रफीक कामदार साहब के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरीके से निराधार है, गलत है, बेबुनियाद है। ये हम लोग का के लिए क्यों लड़ रहे हैं? एक मिनट जरा, एक मिनट, इसके लिए एक मिनट। सब कही अभी के रफीक कामदार साहब जो है आप लोगों के लिए 3-4 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। कल जब उन्हें जलील किया गया, धक्का मुक्की उनके साथ हुई, आप लोग मुमरा पुलिस स्टेशन भी पहुँचे, वहाँ आपने FIR दर्ज कराने की मांग क्यों नहीं की? मांग क्योंकि वहाँ सुनो, उस टाइम तक हम लोगों को ये मालूम ही नहीं था, उस टाइम ये बात ही नहीं आई थी कि रफीक कामदार के ऊपर इल्जाम लगा। ये रात में मगरिब पे टाइम लगा, पुलिस स्टेशन के आने के बाद अफ्तारी के बाद इल्जाम लगाया गया। ये अभी आ जाए ना, जयसवाल साहब से भी मिलने लोग गए थे, मैं जो भी गया था तो वहाँ पर काफी कुछ बात हुई, इनको नॉलेज है, ये बताएंगे क्या हुआ। हाँ आप बताएंगे ये जो पूरा मामला है उसको लेके आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, ये तो सरासर रफीक भाई के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है, इसमें जरा सी भी हकीकत और सच्चाई नहीं है। ये जो रफीक भाई के ऊपर आप कह रहे कि इल्जाम सरासर गलत और बेबुनियाद लगाया जा रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो कौन लोग है जो रफीक भाई के ऊपर ये गलत आरोप लगा रहे? वही लोग है जो वहाँ अंदर मंडप में बैठे है, देखिए वो हम लोग एवाइट साहब के पास हम लोग गए थे। अच्छा, हमारे 10 लोग गए थे बात करने के लिए, तो एवाइट साहब ने बोले हम ये कर देते हैं, जिसमें फैयाज सही बोले ने बताया कि भाई ये ग्राउंड कर दो। अच्छा, तो एवाइट साहब ने ये ग्राउंड हमको करके दिया, वो भी हमारे जाने पे, ना के जो रमजान में स्पेशल आते हैं उनके लिए, ये हमारे जाने पे एवाइट साहब ने करके दिया था। लेकिन यहाँ आने के बाद इधर सब पॉलिटिशियन लोग आके घुस गए, घुसने के बाद अपने हिसाब से मनमानी कर रहे। हम लोग हर साल मंडप बनाते हैं, हमारा खर्चा 1,000 से 1,500 रुपया आता है, इसके अलावा 1 रुपया खर्चा नहीं आता। और जो मंडप हमारा बनाता है वही मंडप डेकोरेटर ने वहाँ मंडप बनाया है, किसी दूसरे ने मंडप नहीं बनाया। रह गई बात, आप 300 गाले बने हुए हैं, 4,000 रुपए से आप कैलकुलेशन करो 12,00,000 रुपया हो रहा है, जबकि जगह वाले ने अपनी जगह फ्री दिया है, 1 रुपया फ्री नहीं ले रहा है। हाँ, अब आप जाके मंडप का सर्वे करो, क्या उसमें 12,00,000 रुपया इन्वेस्ट हुआ है क्या? आप खुद सर्वे करो, हमको सर्वे करने की जरूरत नहीं, हम लोग देख लिए। मेरा आप लोगों से 2 सवाल है, आखिरी सवाल है। सबसे पहला सवाल ये कि आप लोगों को वहाँ पे गाले मिले या नहीं, और दूसरी बात कल ये जो घटना हुई है रफीक कामदार साहब के साथ में, जो विवाद हुआ है, जो उनके ऊपर आरोप लगे, उस बारे में जो आप लोगों की राय है, तो अभी उसको लेके आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं? अभी तो हम लोगों को धंधा लगाएंगे, हम अपने पेट के लिए हम मरेंगे, अभी मर भी जाएंगे। अभी हम लोगों को ये बोला गया भूख लगती है, हमको भूख लगती है, हमको देने नहीं आता है। आज 4 महीने से बंद है, कैसे तड़प रहे हम लोग को मालूम चालू है, 14 महीने से हम लोग आदमी के एक दिन का महीने जो जुलूम हो रहा है हमारे ऊपर। देखिए आप खुद मुमरा के रहवासी हैं, आप 4 महीने से खुद देख रहे हैं कि किस्मत कॉलोनी से लेके 2 अपार्टमेंट तक के फेरी वालों पे कितना अत्याचार किया जा रहा है। थाना महानगर पालिका मुमरा प्रभाग समिति डेली के 20 से 30 आदमी हमारे लिए लगा के रखी है, महानगर पालिका 20 से 30 आदमी को डेली का पगार दे रही है, प्लस जो उनके ऑफिसर है, ऑफिसर अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये सिर्फ हमको भगाने के लिए इतना खर्चा कर रहे, ना कि हमको आबाद करने के लिए। अगर ये खर्चा हमें आबाद करने के लिए मोइन भाई किया जाए ना, तो हर फेरी वाला आबाद हो जाएगा। BM हमारे महानगर पालिका हमारे आबाद करने के बारे में नहीं सोच रही, वो सिर्फ गुलाब पार्क के बारे में सोच रही। गुलाब पार्क चला गया मित्तल ग्राउंड में, मित्तल ग्राउंड वाले जो बोल रहे वो हो रहा, इरशाद जो बोल रहा भाई। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे जो जो गाले बने वहाँ पे टोकन बटने वाला था, लोगों को जगह दी जाने वाली थी, तो आप लोगों को जगह मिली के नहीं? उसको नहीं, हमको अब चाहिए भी नहीं ना, कल के विवाद के बाद हमको जगह भी नहीं चाहिए। 4,000 रुपया जब मांगा गया है ना, गए थे वहाँ पे, तो जाने के बाद क्या हुआ कि भाई
सबका नाम पुकारा गया, नाम पुकारने के बाद सबका नंबर दिया गया, नंबर देने के बाद जो हमने बोले उनको रफीक भाई, और आप अगर आपको उस मार्केट के अंदर अगर गाली भी दिए जाएंगे तो आप लोग नहीं लेंगे, फ्री में भी देंगे तो नहीं लेंगे, हम लोग का यही कहना है। और आप लोग पूरी तरीके से रफीक भाई के साथ में खड़े, तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि ये जो मार्केट, ये जो कन्नौज नगर का जो पेट्रोल पंप है, चार महीने से हम लोग भटक रहे हैं, कोई पूछने नहीं आया। हाँ, अभी ये 15 दिन गुजर गया भाई, कल लो परसों लो तरसों लो होते गया, 15 रमजान गुजर गया, अब 15 दिन बाकी रह गया है। तो आप 4,000-4,000 रुपया देंगे तो वहाँ पर और 2,000 रुपया खर्चा है, टोटल 7,000-8,000 रुपया खर्चा है। हमारे पास 10,000 की मूड़ी है, 400 रुपया कितने की मूड़ी है, 10,000 रुपये की मूड़ी है। हम 10,000 रुपया मूड़ी लगाएंगे तो 8,000 रुपया खर्चा करेंगे तो कमाएंगे कहाँ से, क्या होगा हमारा फिर? हमारे घर में खर्चों के लिए मांगने पड़े, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे घर में तनवर नगर में जो मार्केट अभी बनाया गया है, कल वहां पर जो विवाद हुआ था आप वहां पर थे, विवाद के बाद सभी लोग जो है मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो आपने वहां पर पहुंचकर किससे मुलाकात की और क्या बातचीत हुई? लोग चौकी पर पहुंचे तो हमको बाहर खड़ा कर दिया गया, और अपना जो है रफीक कामदार भाई अंदर गए, फिर उसके बाद वहां पे जो भी मीटिंग हुई तो बोले आज शाम का या तो कल जो है जाएंगे मिलने के लिए वहां साहब के पास, हाँ कल हो जाएगा, लेकिन आज का पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई, साहब कोई नहीं आए, और हमारा एक एक दिन घटते हुए जा रहा है, 13 दिन बचा हुआ है, हमें धंधा नहीं लगाने को मिलेगा तो हम क्या खाएंगे, अपने बच्चों को क्या पहनाएंगे। जैसा कि वो जो प्लॉट है नूरुद्दीन नाइक का है, उन्होंने बताया और उन्होंने ये भी कहा मीडिया के सामने कि भाई हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हम हमदर्दी में जो है ये जमीन अपनी दे रहे हैं, तो अभी जो है 315 गाले वहाँ पर बनाए गए हैं और 4,000 रुपए लिए जा रहे हैं ये 13-14 दिन के लिए, टोटल 12,60,000 रुपया होता है। तो आप लोग इस मसले को लेकर नूरुद्दीन नाइक के पास क्यों नहीं जाते कि नूरुद्दीन नाइक ने जब मीडिया में ये बयान दिया है कि वो हम फ्री में दे रहे हैं, तब ये 4,000 का मसला कैसे पैदा हो गया, और फिर जो है ये 4,000 जो 12,60,000 का अमाउंट हो रहा है ये किसके जेब में जा रहा है? ये जो है अभी यहाँ पे जो बात हुई थी बोले एक भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन अभी 4,000 रुपया बोले थे कि 4,000 रुपया आपको देना पड़ेगा, आप लोग मांग रहे हैं 4,000 रुपया, पिंडाल जो है एकदम नंगा पिंडाल है, और फिर पिंडाल के अंदर अपने को और 2,000 रुपया। अभी एक बात बताइए, आपके हिसाब से जो हॉकर्स 4 महीने से दरबदर की ठोकरे खा रहे हैं, तो आपके हिसाब से वहाँ पर जो हकदार है गालों का उसे नहीं मिला है, तो मिला किसे है? 315 गाले किसे मिले हैं आपके हिसाब से, आप बताइए? ये जो रमजान में आकर जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पर, तो वही पिंडाल वाला बांधता था तो हम लोग उसको 1,000 रुपए देते थे और लाइट का 500 रुपए देते थे, हमारे हिसाब से 1,500 रुपया बनता था। चलो अगर वहाँ 2,000 भी मांगते तो हम देने को तैयार थे, अभी 4,000 रुपया हम उनको दे देंगे और उसके बाद में फिर पर्दा है, टेबल है, उसका 2,000 रुपया और जाएगा, लाइट जाएगा, और 10 दिन में हम कितना पैसा कमा लेंगे, उसका कुछ भी नहीं कमा सकते, तो कहाँ से हमारे को पैसा मिलेगा, कहाँ से हम उनको पैसा दें, वो अभी पैसा दो बोल रहे हैं, कहाँ से देंगे? अच्छा ठीक है, अभी आप लोगों ने एक बात यहाँ पर बताई कि रफीक कामदार साहब जो है 4 महीने से आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जैसा कि कल 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 मुमरा पुलिस स्टेशन भी आप लोग गए थे और उन्हीं के समझाने बुझाने के बाद आप लोग वहां से वापस लौट गए, ठीक है? तो अभी अभी आप लोगों की वजह से जो उनके साथ हरकत हुई है, तो आप पूरे हॉकर्स मिलकर क्या करने वाले हो, किस तरह के लड़ाई लड़ने वाले हो? सबसे बड़ी बात क्या है जो है ना, यहाँ पे क्या करेंगे हमारे को ना, हमारा हक करेंगे तो लखपति लोग क्या चाहिए हमारे को, हमारा हक चाहिए, हमको हमारा हक चाहिए, हमको रोड के ऊपर धंधा लगाने मिले और 10 दिन के लिए। पूरे बम्बई में सब जगह धंधा लग चुका है, फिर मोमरा में क्या बात है, हम लोग क्या दुश्मन है, हम लोग चोट चमार देंगे, हम लोग कोई बात नहीं। वही मैं बोल रहा हूँ, हमारे सवाल का जवाब ये है कि रफीक भाई के ऊपर जो बेबुनियाद इल्जाम लगा है, जिन्होंने लगाया वो वापिस ले ले, क्योंकि सरासर झूठ है और बेबुनियाद है, क्योंकि उनका कोई लेना देना नहीं हम लोगों से, हम लोगों के लिए वो इंसानियत के नाते वो फाइट लड़ रहे हैं और कोई हमारे से फीस भी नहीं ली है आज तक के, वो 1 रुपया नहीं लिया उन्होंने, और ये जो बेबुनियाद इल्जाम उनके ऊपर जो लगा है रफीक भाई के ऊपर, वो वापिस ले, जिन भाई ने लगाया वो अपना इल्जाम वापिस ले, क्यों 18 गाले अच्छे बेबुनियाद इल्जाम है। सुनिए, अभी ये 315 गाले भी आप लोगों के हाथ से निकल रहे हैं,
और आप लोग जो है बोल रहे हैं वहाँ आप जाएंगे भी नहीं, निकलने रहे, निकलने रहे, छोड़ रहे हैं, हाँ छोड़ रहे हो आप लोग, आप लोग छोड़ रहे हैं। आप इन्होंने क्या कहा है कि सीजनल लोग को दे दिया जा रहा है, जो 15 दिन लगाते हैं, जो अपोजिट में हर जगह पे जो पिंडाल लगते हैं वो हर जगह लगते हैं, पूरे हिंदुस्तान में लगते हैं रमजान के टाइम पे, तो उन लोगों को दिया जा रहा है। अभी आप लोग ये भी बोल रहे हो कि आप लोग धंधा लगाओगे, जी इंशाल्लाह बिना लगाए तो गुजर बसर होने वाला है नहीं, और रोड पर लगाने पर जो है मनपा सख्त रवैया है मनपा का कि उसको वो लगाने नहीं दे रही, तो ऐसे मोमेंट पे आप लोग क्या करने वाले हो, कैसे धंधा लगाओगे? हम ना मनपा के साथ ही घूमेंगे, जो इतने लोगों को पगार दे रहे हैं वो हम लोगों को ही दे दे, हम लोग का घर चलेगा, हम लोग का घर चलेगा, हम लोग खुद रोक देंगे सबको, धंधे वालों को रोक देंगे, हम लोग खर्चा दे दे और हम लोग धंधा नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और नहीं तो कल से हम इंशाल्लाह यही धंधा लगाएंगे और फिर हमको ले जाए जहाँ ले जाके बिठाना है, बिठाना है जहाँ बिठाना है वही हम।